वडाप्रधान नरेंद्र मोदी शुक्रवार दिवसे गुजरात ने गोल्डन गिफ्ट आपी छे। मोदी पाटनगर गांधीनगर में गिफ्ट सीटी खाते इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज अने एनएससी आईएफएससी नी शुरुआत करावी छे। मोदी आ प्रसंगे जणावे छे के वात टेक्नोलॉजी नी अने सायंस सॉफ्टवेर नी होय त्यारे भारत पासे उमर पण छे अने अनुभव पण छे। रियल टाइम डिजिटल पेमेंट में आखा विश्व में 40% भागीदारी हवे एकला भारत नी छे। हवे ज्वेलर्स सीधा ज बुलियन खरीदी शकशे। गोल्ड प्रत्येनो भारतीयोनो प्रेम कोईनाथी छुपो नथी। गोल्ड आपला समाज अने संस्कृतिनो महत्वनो भाग छे, जेना कारणे भारत आजे सोना चांदीना क्षेत्रमां मोटू मार्केट छे। भारतनी ओळख मार्किंग मेकरनी पण होवी जोईए अने आ ए दिशामां एक महत्वपूर्ण पगलू छे। गोल्ड साथे जोडायेले इंडस्ट्री ज्वेलर्सने विस्तार करवामां मदद मळशे त्यारे नवा अवसरोनो रस्तो खुलशे। व्यापारी सीधा ज बुलियन खरीदी शकशे अने इंटरनेशनल प्राइस डिस्कवरीमां भाग लई शकशे। सीधा गोल्डमां ट्रेड करवानी तक हवे भारतने मळशे त्यारे गोल्ड ट्रेडिंगनी मार्केट ऑर्गेनाइज्ड थशे। साथियों, आज इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज उसको भी लॉन्च किया गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के इंडियन ओरिजिनल ऑफिस, 3 फॉरेन बैंक्स और 4 इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंसिंग सर्विस प्लेटफॉर्म, इन सब के साथ अनेक महत्वपूर्ण पड़ावों को आज हमने पार किया है। इनसे 130 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य को आधुनिक वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ने में और मदद मिलेगी। भारत अब यूएसए, यूके और सिंगापुर जैसे दुनिया के उन देशों की कतार में खड़ा हो रहा है जहां से ग्लोबल फाइनेंस को दिशा दी जाती है।